हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं नाम हार्दिक पटेल और आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले डिग्री ऑफ हार्डनेस, यूनिट्स ऑफ हार्डनेस और इसके रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक अगर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से देखें तो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए कि 2018 के बाद जब से अपना पैटर्न चेंज हुआ है, उसको एग्जामिनर को अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाना है तो वो हार्डनेस उठाता है। ठीक है, और हार्डनेस में ऐसा है कुछ कुछ टॉपिक मिक्स कर देता है। जैसे कभी हार्डनेस पूछेगा, ठीक है, उसके टाइप्स पूछेगा और बोलते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस भी बताओ, या हार्डनेस पूछेगा, उसके यूनिट्स पूछेगा और इसके रिलेशनशिप बताओ क्या होता है ना। तो ये वाले जो टॉपिक है ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पर ये नहीं है कि ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट बाकी छोड़ दें। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, किस लिए? क्योंकि 2023 के बाद से अगर थोड़ा सा पैटर्न को देखेंगे तो न्यूमेरिकल भी पूछ ले रहा है और इस टॉपिक से अलग जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी पूछ ले रहा है ना। तो अपन को सारी चीजें पढ़ते चलना है जिससे अपने सीजीपीए में कोई फर्क ना पड़े और सीजीपीए अच्छा जाए और साथ में अपन इस एग्जाम में अच्छे से पास, अच्छे नंबरों से पास भी हो जाए, है ना। तो मैं वो आपको कॉन्सेप्ट देने की पूरी अच्छे से कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस ये क्या है, डिग्री ऑफ हार्डनेस जो यूज होता है वो अपने फॉर्मूले के लिए होता है ना। जैसे ही आगे देखेंगे अपन, ये वाले इसके फॉर्मूले बनते हैं जो अपन आगे जो हार्डनेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें यूज होंगे। ठीक है, पर ऐसा मेरे को लगा कि एग्जाम में अगर इसकी डेफिनेशन पूछने को आए, इसको डिफाइन करिए डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है, तो आप उसमें कुछ लिख पाए, इसलिए मैंने इसकी छोटी सी डेफिनेशन बना दी है। पर इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस ये होता है, हार्डनेस आपको पता है क्या होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे अपने सॉल्ट, टोटल 10 सॉल्ट होते हैं ना। तो क्या है, अपन को उसमें एक हाथ सॉल्ट को उठाना था और उसको डिग्री ऑफ हार्डनेस बनाना था। ठीक है, एक हाथ सॉल्ट को उसमें से उठाना था और उसको डिग्री ऑफ हार्डनेस बनाना, तो अपन ने उसमें से क्या चूज किया, उसमें से अपन ने चूज किया CaCO3 को। ठीक है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को अपन ने चूज किया, इसको बनाएंगे अपन डिग्री ऑफ हार्डनेस। जैसे अपने क्लासरूम में भी होता है ना कि कोई ऐसा रहता है, किसी में अलग क्वालिटीज होती है तो अपन उसको क्लास का CR बनाते हैं, है ना। तो उसी तरह अपने पास इतने सारे सॉल्ट थे पर अपन ने चूज किया कैल्शियम कार्बोनेट को, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी देख के कि यार चलो इसको डिग्री ऑफ हार्डनेस बना दे, हार्डनेस की इसको डिग्री बना देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, डेफिनेशन से जब इसको क्लियर करूंगा आपको बहुत क्लियर होगा वो प्रॉपर्टीज क्या थी जो इसमें लगाई कि इसको अपन ने CaCO3 का डिग्री ऑफ हार्डनेस बनाया, वो चीज आप इसकी डेफिनेशन में अपन लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ हार्डनेस डिफाइन एज द टर्म ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ CaCO3। डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है किसके, CaCO3 के। ठीक है, ये सिंपली फर्स्ट लाइन डेफिनेशन। उसके बाद क्यों ये इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि CaCO3 जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इजिली कैलकुलेट हो जाता है और इजिली फिल्ट्रेटेड हो जाता है ना। क्या है कि CaCO3 का जो अमाउंट था अपना, CaCO3 का जो अपना आयन था वो इजिली वाटर में इनसॉल्युबल हो जाता, उसमें मिल जाता था। ठीक है, इसलिए अपन ने चूज किया कि चलो CaCO3 को अपन डिग्री ऑफ हार्डनेस बनाते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या था, इसका जो मॉलिकुलर वेट था, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे और उसका मॉलिकुलर वेट निकालेंगे वो होता है 100। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे अपन को वैल्यू अगर डालनी रहती है तो 100 ऐसी वैल्यू है कि उसको किसी से भी अपन कैलकुलेट इजिली कर पाते हैं। ठीक है, इजिली कैलकुलेट कर पाते हैं, इसलिए अपन ने इसको चूज किया। ठीक है, आया समझ में? तो यही था। ठीक है, जैसे अगर और आयन की अपन डिग्री को देखेंगे, जैसे 1 मोल CaCO3 क्या होता है, 100 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, वहीं अगर दूसरे उसके देखेंगे तो इसका क्या है, मॉलिकुलर वेट 162 ग्राम, इसका 92 ग्राम। ठीक है, तो क्या है, अगर इन सबको उठाएंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वहीं अगर 100 डालते हैं किसी वैल्यू में तो इजिली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यही रीजन है जिसकी वजह से अपने CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिग्री ऑफ हार्डनेस बनाया है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला देख लेते हैं जो अपन ने न्यूमेरिकल में चूज होने वाला है। ठीक है, और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे अपन न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला लगा है वो बहुत सिंपल हो, उसमें बस वैल्यू पुट करो आंसर आ जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, वैसे अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पर अगर डिफाइन करने को आ जाता है कि डिग्री ऑफ हार्डनेस बताइए क्या है तो आप उसको इजिली डिफाइन कर पाए, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन देखते हैं इसके फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं आखिर CaCO3 इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले में नजर डालिए क्या लिखा है, मास ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्डनेस इनटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा फॉर्मूला जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अगर इसको एग्जाम में अपन लोग यूज करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और अपन को समझ में नहीं आएगा क्या क्या वैल्यू इसमें डाले, तो इसको मैं थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ आपके सामने करता हूँ। ठीक है, आप बस चीज़ों को प्रोसेस को देखिएगा और मेरे को बस बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या चीज़ मैं सही कर रहा हूँ, है ना। जैसे अपने पास मास तो नहीं पता क्या है, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट भी नहीं पता क्योंकि अपन को कोई आयन दिया ही नहीं है अभी,
क्या क्या पता अपन को, केमिकल इक्विवेलेंट पता है CaCO3 का, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अपन को केमिकल इक्विवेलेंट पता है, वो किस तरह से निकालेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन चार्ज, ठीक है, ये होता है केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। अब अपन को मोलर मास पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या होता है अपन ने अभी देख के आया 100, और जो अपना ये मॉलिक्यूल दिया है क्या, दो मिनट, ये अपन को मॉलिक्यूल जो दिया है CaCO3, इसका अगर अपन लोग कैल्शियम का चार्ज देखेंगे तो वो क्या होता है 2+, तो चार्ज की जगह पे 2 डाल सकते हैं, तो इसका जो निकला है केमिकल इक्विवेलेंट वो क्या निकला है 50, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 50, बाकी चीजों को वैसे ही रहने दीजिए। अगर मैं थोड़ा फर्दर देखूं तो इसकी जगह पर हमने 50 लिख दिया है ना। अब क्या करेंगे इसकी जगह, इसके बाद कि मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 को, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसे ही करेंगे अपन 2 को, जैसे 2 को यहां पे लिखा और 2 को यहां पे लिखा, तो अपना क्या हुआ 50 और 2 कितना हो गया, ये अपना 100 हो गया है ना, और नीचे वाली वैल्यू 2 × केमिकल इक्विवेलेंट हो गई, ठीक है। अब ये पूरी चीज क्या होती है, अगर आप आगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो आगे पढ़ाऊंगा मैं, आपका 5th लेक्चर होगा वो, ठीक है, उसमें आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला देखेंगे 100/2 × केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जो भी आपका आयन दिया होगा, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का ये होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो अपना ये सिंपल फॉर्मूला बन गया, मास ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्डनेस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, अगर आप निकाल देते हैं तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप CaCO3 इक्विवेलेंट या फिर डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक है। आई होप सो चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है, क्योंकि क्या है ये वाला फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि 3-4 वैल्यू अपन को डालनी पड़ती है। अब इसमें क्या करेंगे, आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे और अपना मास निकालेंगे कोई सी भी आयन का, वो आपको एग्जाम में दिया होगा, ठीक है, या फिर आप इस फॉर्मूले की वजह से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका क्या निकल आएगा CaCO3 इक्विवेलेंट या फिर डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक है। आई होप सो चीज क्लियर हुई होगी। तो चलिए आपने डिग्री ऑफ हार्डनेस बहुत कर लिया, ठीक है, उसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको थोड़ा ध्यान से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपन यूनिट्स ऑफ हार्डनेस की तरफ, इसमें से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो पहले क्लियर कर देता हूं, है ना। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, हार्डनेस बताइए, डिग्री ऑफ हार्डनेस बताइए, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, ये प्रीवियस में बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बने तो आप लिख दीजिएगा, प्रीवियस ईयर मैंने हार्डनेस पढ़ा के रखा है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है वो पढ़ा के रखा है, नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा जाके आप पहले वो देखिए, ठीक है। और डिग्री ऑफ हार्डनेस अभी इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ाया अपन ने, है ना। और इसके बाद किस तरह से क्वेश्चन बनता है सेकंड, कि हार्डनेस बताइए, यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, उसके रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगर ये पूछता है हार्डनेस तो मैंने जो पढ़ाया वो आप लिख दीजिएगा, उसके बाद यूनिट्स ऑफ हार्डनेस अपन देखने वाले किस तरह से प्रेजेंट करो साथ में उसके रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर होगी, आपको पता भी चल जाएगा एग्जाम में इसको किस तरह से लिखूं, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ हार्डनेस क्या होता है। बेसिकली 4 टाइप की यूनिट्स होती है हार्डनेस में, है ना, जिसमें पहली यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन, सेकंड यूनिट है मिलीग्राम पर लीटर, थर्ड यूनिट है अपनी क्लर्क और फोर्थ यूनिट है फ्रेंच, ठीक है। तो एक एक करके अपन सारी यूनिट्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ठीक है। तो एक पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, जो 10^6 पार्ट ऑफ वाटर में जो एक पार्ट प्रेजेंट होता है CaCO3 का, उसको बोलते हैं 1 ppm। क्लियर हुआ, क्या है कि अपना जो 10^6 पार्ट ऑफ वाटर में एक आयन जो प्रेजेंट है CaCO3 का, एक पार्ट जो प्रेजेंट है CaCO3 का, उसको अपन बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। वही चीज़ ये कह रही है, 1 part per million इज इक्वल्स टू 1 part of CO3 इन 10^6 पार्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसको पॉइंट के जरिए किस तरह से एक्सप्लेन करना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या है, पार्ट ऑफ CaCO3 इन 1 million पार्ट ऑफ वाटर, ये छोटी सी आप डेफिनेशन लिख देगा जिससे अपन को ये चीज़ें एग्जामिनर को आराम से क्लियर हो जाए, है ना, और वो आराम से मार्क्स देते। उसके बाद सेकंड चीज़ थोड़ा सा लिख देना, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, और ये जो चीज़ लिखी है इतनी बड़ी सी डेफिनेशन ये मैंने बस पेज भरने के लिए लिखवाई है, ठीक है, कि इसमें जो जो पॉइंट लिखे हैं वो भी एकदम कैलकुलेटेड हैं, और एग्ज़ाम में अगर आप ये लिख देते थोड़े से पेज भर जाएंगे, थोड़ा सा लिखा हुआ लिख रखेगा तो एग्जामिनर आराम से नंबर देगा, है ना। तो वही चीज़ लिखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द CaCO3 इक्विवेलेंट, वही चीज़ लिखिए जो मैंने ऊपर लिखी, जो छोटी सी लाइन में लिखी है उसको मैंने इन अदर वर्ड्स में लिख दिया, क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 10^6 पार्ट ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज ppm। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने इसे उससे लिखवाया है कि आप एग्जाम में इस चीज़ को आराम से लिख दें, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं जिससे आप इसको नोट कर लें, तो इतना आप जब एग्जाम में लिख देंगे तो आपको इसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की तरफ।
चलिए अब देख लेते हैं सेकेंड यूनिट जो है अपनी मिलीग्राम पर लीटर, ये क्या होता है? नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ वाटर। नीचे वाले उससे समझ लेते हैं, आराम से क्लियर हो रहेगा। क्या है 1 मिलीग्राम पर लीटर? क्या होता है 1 mg ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट जो प्रेजेंट होता है 1 लीटर वाटर में, उसको अपन बोलते हैं 1 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर हुआ? क्या है 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट जो प्रेजेंट होता है 1 लीटर वाटर में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग 1 मिलीग्राम पर लीटर। डेफिनेशन वही कह रही है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इतना सा आप लिख देंगे आपको आराम से नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है, तो क्लियर होगी होगी। उसके बाद ये जो अपनी ppm है और मिलीग्राम पर लीटर, ये क्या है, दोनों की इक्वल है कि 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। ये कैसे होता है वो चीज़ अपन देख लेते हैं। जैसे 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, ये क्यों है? क्योंकि ये आपने फॉर्मूला पहले पढ़ के रखा होगा, मास m इज इक्वल m अपॉन v मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी, ठीक है। पर इन केस ऑफ वाटर जो डेंसिटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, जिसकी वजह से मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है वॉल्यूम। जैसे ही अपना ये हो जाए तो 1 लीटर यानी कि वॉल्यूम क्या होगा 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम को अपन क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को क्या लिख सकते हैं 1000 × 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो 1 लीटर जो है वो किसके इक्वल हो गया अपना 10^6 मिलीग्राम के, ठीक है। जैसे ही अपने इक्वल हो जाता है तो 1 मिलीग्राम पर लीटर क्या होगा, 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू 1 mg अपॉन 10^6 mg, mg से mg कट गया तो क्या होगा 1/10^6, और 1/10^6 क्या होता है 1 ppm, ठीक है। तो 1 ppm जैसे 10^6 हो गया तो 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू 1 ppm। क्लियर हुआ? आई होप सो, थोड़ा दिक्कत हुई होगी पर मैं इसको वापस से आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। ठीक है तो चलिए देख लेते हैं क्या है 1 ppm इज इक्वल्स टू होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर, ये क्यों होता है वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, बचपन में क्या जब 11th 12th क्लास में होगे तब पढ़ा होगा कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है इज इक्वल्स टू डेंसिटी, ठीक है, इन केस ऑफ वाटर। बट इन केस ऑफ वाटर, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। जैसे ये 1 हो गई तो अपना मास जो है वो किसके इक्वल टू हो जाता है वॉल्यूम के। जैसे ही इक्वल टू हो गया तो 1 लीटर यानी कि ये क्या होता है वॉल्यूम, जैसे वाटर है, ठीक है, इसको क्या अपन वॉल्यूम में गिनेंगे लीटर में गिनेंगे, तो वही चीज़ लिखिए, ठीक है, कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 1 किलोग्राम। जैसे ही 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम हो गया, 1 किलोग्राम को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम को अपन क्या लिख सकते हैं 1000 × 1000 मिलीग्राम, ठीक है। ये जैसे लिख दिया तो क्या हो जाएगा 1 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा 10^6 mg यानी कि मिलीग्राम के ऊपर। जैसे ही अपने इक्वल हो गया तो 1 मिलीग्राम पर लीटर क्या होगा 1 mg/10^6 mg, ये हो गया। फिर उसके बाद mg से mg कट गया तो क्या हो गया 1/10^6। और ये पार्ट्स पर मिलियन की ही डेफिनेशन है कि 1 part of CO3 in 10^6 पार्ट ऑफ वाटर, 1 part of CO3 in 10^6 पार्ट ऑफ वाटर, ठीक है, वही चीज़ ये लिखी हुई है। तो ये क्या कहलाएगा 1 ppm। जैसे ये कहलाता है तो मतलब 1 mg/L हो गया अपना 1 ppm, ठीक है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है पर आप थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तो वही एग्जाम में आता है तो अपन को सेकंड यूनिट इस तरह से डिफाइन करनी है क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत छोटी सी लिखी है ना, जो अपन को सिंपली एग्जाम में प्रेजेंट करनी है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है प्रेजेंट होता है 1 लीटर ऑफ वाटर में, उसको बोलते हैं 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ये चीज़ आप लिख देंगे, उसके बाद ये छोटा सा आप बना देंगे कि 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम, तो इससे क्या अपना पेज भर जाएगा और एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जिसकी वजह से वो आपको मार्क्स देगा, है ना। तो ये चीज़ अपन को लिख देनी है जिससे अपना आंसर बहुत अच्छे से प्रेजेंट होगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते थर्ड और फोर्थ यूनिट को देखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं थर्ड यूनिट को, ठीक है। इसमें जो डेफिनेशन है मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का थोड़ा टच देना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी ऐसे हिंट होते हैं कि अगर वो थोड़ा सा पहचान ले तो उससे क्या है अपन को आंसर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से बस चेंजेस करने अपन को आराम से आंसर लिख देंगे एग्जाम में। जैसे ये वाली जो डेफिनेशन लिखी थी थोड़ी सी बड़ी सी, ठीक है, इसमें ही बस आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो अपन लोग जो अपनी थर्ड और फोर्थ जो है यूनिट उसको आराम से लिख देंगे। क्या है इसमें जैसे 10^6 पार्ट लिखा है, इसकी जगह आपको करना है 70,000 पार्ट लिखेंगे तो वो कौन सी यूनिट हो जाएगी अपनी
क्लर्क, ठीक है, उसकी जगह जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया था अपन ने, उधर 10^6 पार्ट लिखा था, उसकी जगह यहाँ पे बस 70,000 लिख देंगे तो अपने ये वाली डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगर फ्रेंच में देखें तो फ्रेंच में क्या करना है, उसमें अपन ने 6 पार्ट लिखा था, 10^6 पार्ट, उसकी जगह यहाँ पे लिखना है 5 पार्ट, हो गया। इतना लिखेंगे आपकी चारों डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो वही है, ये दोनों तो आपको समझ में आ गई थी, है ना। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं, वन क्लर्क क्या होता है। वन क्लर्क होता है एक पार्ट जो CO3 प्रेजेंट होता है, कितने 70,000 पार्ट ऑफ वाटर में जो एक पार्ट ऑफ CO3 प्रेजेंट होता है उसी को अपन बोलते हैं वन क्लर्क। क्लियर हुआ, वही चीज ऊपर कह रही है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ CO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CO3 प्रेजेंट इन 70,000 पार्ट ऑफ वाटर में उसको अपन बोलते हैं डिग्री क्लर्क। और सेकंड डेफिनेशन वही है जो अपन ने पहले लिखी थी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ CO3, मतलब इसको अदर वर्ड्स में लिख दे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ CO3 इक्विवेलेंट इन 10^70,000 पार्ट ऑफ वाटर इज नॉन एज क्लर्क। ठीक है, बस वही है। आप अगर फर्स्ट डेफिनेशन याद करेंगे सेकंड वाली, तो उसमें बस आप ये जो दो चेंजेस करेंगे कि इसकी जगह 70,000 लिख देंगे 10^6 की जगह, तो आराम से ही क्लियर डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करना चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही अपन फोर्थ डेफिनेशन भी देख लेते हैं और फिर आराम से क्लियर करते हैं, फिर आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रेंच क्या कह रहा है, वन फ्रेंच क्या होता है, वन पार्ट ऑफ CO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 10^5 पार्ट ऑफ वाटर। फर्स्ट वाली में क्या था, 1 ppm क्या हो रहा था, 10^6 पार्ट ऑफ वाटर, उसी की जगह अगर फ्रेंच की डिग्री में देखें तो 10^5 पार्ट ऑफ वाटर में एक जो CO3 प्रेजेंट होगा, एक पार्ट ऑफ CO3 जो इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा उसी को अपन लोग बोलेंगे 1 degree ऑफ फ्रेंच। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या CO3 प्रेजेंट इन 10^5 पार्ट ऑफ वाटर दिस इज नॉन एज फ्रेंच। ठीक है, वहीं अगर सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो वही है, बस सिंपली इसमें चेंजेस क्या करने हैं, जो अपना 6 पार्ट लिखा था या फिर इसमें 70,000 पार्ट लिखा था उसकी जगह अपन को बस 5 पार्ट कर देने या 10^5 पार्ट कर देने, अपनी ये डेफिनेशन भी आराम से बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जिससे आप इसको नोट कर लें, ठीक है, सारी चीज़ों को, और फिर अपन समझते हैं एग्जाम में आपको इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे का देखते हैं। तो चलिए, आई होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देख लेते हैं इसको एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। ठीक है, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बनेगा तो वही बनेगा कि बताइए हार्डनेस क्या होता है, साथ ही यूनिट्स ऑफ हार्डनेस और रिलेशनशिप बताइए। ठीक है, तो हार्डनेस आता है तो हार्डनेस में अपन ने जो थर्ड या फोर्थ लेक्चर पढ़ा था आप वो वाला लिख दीजिएगा जो मैंने वहाँ पे आपको लिखवाया। उसके बाद यूनिट्स ऑफ हार्डनेस डालिएगा और चार टाइप ऑफ यूनिट, पहली ये लिखिएगा जिसमें ये सारी चीज़ लिख दीजिएगा, सेकंड ये लिखिएगा इसमें ये सारी चीज़ प्रेजेंट करें, ये भी थोड़ा सा लिख देंगे तो क्या है अपनी कॉपी अच्छे से भर जाएगी, मतलब एग्जामिनर पे ऐसा इंप्रेशन पड़ेगा कि बंदे ने अलग से भी कुछ लिखा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो और अच्छे मार्क्स देगा और ये उतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, थोड़ी चीज़ें आप समझेंगे और आपको आराम से चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा, उसके बाद थर्ड यूनिट और ये फोर्थ यूनिट, इतना आप लिख देंगे आपको आराम से 7 मार्क्स पूरे कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक यूनिट्स ऑफ हार्डनेस पूछने के साथ एक रिलेशनशिप भी पूछ देता है इसका, वो चीज़ भी देख लेते हैं और इसके साथ ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन ने यूनिट्स ऑफ हार्डनेस देख लिया, आप देख लेते हैं इसके रिलेशनशिप्स क्या है। ठीक है, रिलेशनशिप्स वही है, अपना ppm क्या होता है 10^6, ठीक है, मिलीग्राम क्या होता है 10^6, उसके बाद फ्रेंच क्या, क्योंकि मिलीग्राम 10^6 क्यों, क्योंकि 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 mg/L। ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है तो वही 10^6, ये भी 10^6। उसके बाद अपने फ्रेंच की पढ़ी थी 10^5 और जो क्लर्क है वो होता है 70,000। ठीक है, अब इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, मैं सिंपली अगर मैं आपको उसी लैंग्वेज से बताऊंगा जो बुक में लिखी हुई है या फिर जिस तरह से और टीचर्स पढ़ाते हैं, थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वही चीज़ है कि अपन को केमिस्ट्री एग्जाम किस लिए निकालना है, क्योंकि अपना बीटेक फर्स्ट ईयर में अभी जो वीडियोस देख रहे होंगे आप वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ही देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप कोई सी भी ब्रांच की हो, आपको बस फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, आगे चल के इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला। ठीक है, आपकी जो ब्रांच रहेगी उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट जो है आगे यूज़ होने वाले हैं, तो अपन को ये बस एक पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम को निकालने के लिए चीज़ पढ़नी है। तो मैं उसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखते हुए इसको उसी तरह समझाता हूँ जिससे आपको दिमाग में क्लियर हो जाए, आप कभी नहीं भूलें। ठीक है, तो क्या है, अपन ने ये चीज़ देख ली कि इसके इक्वल होता है 10^6 और फ्रेंच क्या पढ़ा 10^5 और क्लर्क क्या पढ़ा था 70,000। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या चीज़ करनी है वो बताता हूँ। जैसे इसमें से देखिए, आप ये चार जीरो खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा 7। ठीक है, अब ये 10^5 क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 जीरो, है ना, तो इसमें से भी ये 4 जीरो खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा 10। उसके बाद क्या करेंगे 10^6 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसमें से अपन 4 जीरो खत्म कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है, उसी तरह ये भी 100। इतना कर लिया तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है,
चीज़ें आई नो मैं थोड़ा उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ जिस तरह टीचर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं अगर उस तरह से पढ़ाऊंगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपको सिंपली वे में ये रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसका क्या है बस अपन लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो थोड़े से उसमें यूज़ होगा, तो वो चीज़ बस देख लेते हैं, है ना। जैसे ही हो जाए उसके बाद करना है 7 आ गया, अब इसको और कम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे 7 का डिवाइड कर देंगे 10 से, जैसे 7 का 10 से डिवाइड दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे अपन ने 10 का डिवाइड दिया इसमें भी अपन 10 का डिवाइड देंगे 10 into 10, तो क्या होगा इसमें से ये कट जाएगा 10 10, तो अपनी वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है 1 वैल्यू है। इसमें भी अपन 10 का डिवाइड देंगे 100 upon 10, 10 से 10 कैंसिल तो ये होगा अपना 10, ठीक है। उसके बाद इसमें भी देंगे तो ये होगा 10, ठीक है। इतना अपन को सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 0.7 का फिर से 10 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 0.07, ठीक है। अब उसके बाद 1 का 10 से देंगे, 1 का जब 10 से देंगे तो क्या होगा 0.1, उसके बाद 10 का जब 10 से देंगे तो क्या होगा 1, और ये भी होगा 1, ठीक है। तो अपने मतलब फर्दर उस लेवल तक सिंप्लीफाई करना है कि जो अपना ये वैल्यू है जो पार्ट्स पर मिलियन और मिलीग्राम पर लीटर की ये 1-1 आ जाए, जैसे ही अपनी ये पूरी 1-1 पे आ जाती है और ये आ जाती है तो इससे क्या है अपन आराम से किसी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पहले से लिखी हुई है, ठीक है। ये तो अपने ये लास्ट वाली बस चीज़ को देखना है, 2 मिनट, हाँ ये लास्ट वाली जो चीज़ है इसको बस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब ये क्या है ये बता दीजिए आप, ठीक है। वो चीज़ मैं बता देता हूँ अब क्या है कि अगर देखिए पार्ट्स पर मिलियन, पहला तो ये मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम अपना सेम ही होता है, अगर अपन को पीपीएम से किस में कन्वर्ट करना है क्लर्क में, तो अपन क्या करेंगे जो अपनी इसकी वैल्यू रहेगी पीपीएम की, जैसे पीपीएम की वैल्यू अभी 1 है तो इसमें क्या करेंगे इंटू करेंगे 0.7 का, नहीं 2 मिनट, इसमें इंटू करेंगे 0.07 का, तो अपने को जो वैल्यू है पीपीएम की वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी क्लर्क में, ठीक है। वहीं अगर मिलीग्राम पर लीटर की वैल्यू को फ्रेंच में कन्वर्ट करना रहा तो क्या करेंगे मिलीग्राम पर लीटर भी वही होता है, ठीक है, जो पीपीएम होता है, तो मिलीग्राम पर लीटर को इंटू करेंगे 0.1 से, तो अपनी जो मिलीग्राम पर लीटर की वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में डिग्री फ्रेंच में, ठीक है। तो इसी तरह से ये रिलेशनशिप वर्क करता है और मैंने इसको वही सिंपल लैंग्वेज में समझाया जिससे आपको लास्ट तक आप पहुंच जाएं और आपको ये लास्ट वाली चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि बस ये न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाला है, ठीक है। और एग्जाम में भी आए तो इसी तरह से आप प्रेजेंट कर दिएगा, जो चीज़ बताई है मैंने कि इसको फर्दर सिंपल है उसको तो अवेयर कर नहीं सकते, तो इसके चार्ज खत्म करिएगा, इसके चार चार करके इसको करिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको 10 से डिवाइड करिएगा तो ये फर्दर सिंपलीफाई, फिर उसको 10 से डिवाइड करिएगा तो ये फर्दर सिंपलीफाई हो जाएगी, तो उस तरह से आप करेंगे तो आपको चीज़ें आराम से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो आई होप सो आपको अपना आज का जो टॉपिक था कि डिग्री ऑफ हार्डनेस वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उसके बाद यूनिट्स ऑफ हार्डनेस वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और फिर अपना रिलेशनशिप बिटवीन ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हार्डनेस बनेगा, यूनिट्स ऑफ हार्डनेस और रिलेशनशिप, तो आप ये सारी चीजें आप लिख देगा आपको आराम से 7 में 7 मार्क्स पूरे कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, और अपना नाम भी कमेंट जरूर करिएगा जिससे अगर कभी मिलते हैं आप अपना नाम बताएंगे तो मैं शायद पहचान पाऊं कि यार आपने कमेंट किया था, ठीक है। और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वो चीज़ भी मुझे कमेंट में जरूर करिएगा, मैं उसको डाउट को क्लियर करने की वहीं पर कोशिश करूंगा, ठीक है। और बाकी अपने ये कुछ फ्री कोर्सेज हैं जैसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है मैं करा रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, 1 to 7 यूनिट जितनी भी यूनिट है वो सारी कंप्लीट कराऊंगा मैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे कि आरजीपी में जो एग्ज़ाम में लिखना है उस तरह से मैं आपको समझाऊंगा और बीच बीच में थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगा कि आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें है ना। उसके बाद बेसिक फिजिक्स ये आपको सचिन पढ़ा रहा है ये भी पूरा कंप्लीट होगा अपने यूट्यूब पे, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री रहेगा, ठीक है। और ऐसा पढ़ाएंगे यार कि कोई भी बंदा, ठीक है, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम निकालना चाहे तो वो ये प्लेलिस्ट पढ़ के आराम से निकाल सकता है, ठीक है। उसके बाद बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये अपने इरफान भैया ने 4 यूनिट आराम से यूट्यूब पे करा के रखी है, अगर आपके सेम में ये वाला सब्जेक्ट है तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारे जो फ्री कोर्सेज है इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये भी सचिन अभी स्टार्ट करेगा कुछ टाइम में, तो ये भी आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। और फिर बाकी ये बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसका अभी कुछ पता नहीं है, या तो ये फ्री भी हो सकता है यूट्यूब पे या फिर इसका पेड कोर्सेज भी बन सकता है, वो अब आगे बताते हैं हम लोग, ठीक है। पर ट्राई करेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसको फ्री करें या फिर पेड में रखें, ठीक है। और साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, इससे रिलेटेड बैचेस से रिलेटेड, तो आप ये नंबर पर कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने कुछ पेड कोर्सेज भी हैं M1 M2 EG और सिविल, ठीक है, ये कुछ पेड कोर्सेज जिसका
इसका प्राइस बस 799 है। अगर आपको लगता है अभी आप फर्स्ट ईयर में आपने कुछ क्लास बंक कर दी है, ठीक है, जिसकी वजह से अपन को कॉलेज में चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं कहूँगा आप ये कोर्सेस लेके पढ़िए, ठीक है, बहुत वर्थ इट है, ठीक है, आप आराम से चीज़ें क्लियर हो रही होगी। और ऐसा है ना यार कि M2 EG ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है यार कि अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी डील दे दी स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली, थर्ड ईयर तक ये बच्चों को बहुत तगड़े तरीके से परेशान करते हैं ना, तो अपन को ये फर्स्ट ईयर में ही निकालना है, ये थोड़ा अपन को देख के चलना। अगर कॉलेज में थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं हो रहा है चीज़ें तो अपन आराम से ही कोर्सेज लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर कुछ भी रिलेटेड क्वेरी हो कि किस तरह से करना है तो आप आराम से ये नंबर दिए हुए हैं इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।